गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम परवीन फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर EVS टीचर। बच्चों, जैसे कि आपको जानते हो, आपको मैसेज मिला है कि स्कूल 1 नवंबर से रीओपन हो चुके हैं और आज से बच्चों की क्लासेस स्कूल में लग रही है। आपके स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो सभी बच्चों ने स्कूल में आना है, ठीक है। अब आपकी आगे की पढ़ाई स्कूल में होगी, यानी आप स्कूल में क्लासरूम में बैठोगे और हम आपको सामने बैठकर ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने आपको पढ़ाएंगे। अच्छा लगा ना सुनकर? तो सभी बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, स्कूल ज़रूर आना है। चलिए, EVS की बुक में बेटा पेज नंबर 52 निकाल लीजिए। सबने निकाला? अब ये एक एक्टिविटी है, ध्यान से देखेंगे। एक एक्टिविटी है, कलेक्ट एंड राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर नेबर्स। अपने पड़ोसी के बारे में आपको कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है। इंफॉर्मेशन, जानकारी, योर नेबर्स, आपके अपने पड़ोसी के बारे में, ठीक है। आप जहाँ रहते हो, आपके आसपास में कुछ और लोग भी रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, तो आपको उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है और वो बतानी है, यहाँ फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, नेम ऑफ योर टू नेबर्स, नेम ऑफ योर टू नेबर्स। आपको अपने दो पड़ोसियों के बारे में उनका नाम पता करना है और फिर वो यहाँ लिखना है, ठीक है। आपके आस पड़ोस में जो अंकल जी रहते हैं, आपने उनका नाम जानना है और यहाँ लिखना है, दो पड़ोसियों का, ठीक है। आसान सा काम है ना। अगला है, देयर हाउस नंबर्स, उनका मकान नंबर भी लिखना है। आपको अपना मकान नंबर मालूम है, क्या है आपको अपना, आपका हाउस नंबर, तो आपको अपने पड़ोसी का भी हाउस नंबर जानना है और वो यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं अपना एड्रेस जानती हूँ, मेरा एड्रेस है WZ 51 OMVR Phase 2, ठीक है ना। आपका अपना एड्रेस होगा, ठीक है, आपका अपना हाउस नंबर्स होगा, तो यहाँ आपने उनका हाउस नंबर्स लिखना है, जो मकान नंबर होता है वो लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देखो दोनों के ही नाम लिखने हैं, दोनों के ही हाउस नंबर्स लिखने हैं। अगला है, वन थिंग यू लाइक इन देम, आपको एक बात बतानी है जो आपको उनमें अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे भी अगर आपके यहाँ पड़ोस में कोई शर्मा अंकल रहते हैं, अब उनकी आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको उनकी एक बात बतानी है कि आपको उनकी क्या बात आपको अच्छी लगती है। तो आप बता सकते हो कि जब, जैसे कि वो आपके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है ना, तो वेल बिहेव्ड लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो, वो वेरी पोलाइट, अब वो बहुत दयालु हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि पोलाइट हैं वो, है ना। ईमानदार हैं तो ईमानदार लिख सकते हो, ऑनेस्ट हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से आप उनके बारे में, आपको उनकी क्या बात अच्छी लगती है ये बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, ए काइंड ऑफ फैमिली दे लिव इन, वो किस प्रकार का परिवार है, किस तरह का परिवार है। जैसे कि फैमिलीज कैसी कैसी होती है, जॉइंट फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं दो, ठीक है, या फिर बिग फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा हैं और दो तीन चार बच्चे हैं, तो वो बिग फैमिली होती है। तो जो भी आपके पड़ोसी हैं वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या बिग फैमिली, तो आपको ये उनके बारे में लिखना है, ठीक है बेटा। पेज नंबर 52 पर है ये आपका EVS की बुक में, ये सबने फिल करना है। यहाँ नाम बताना है दोनों का, यहाँ हाउस नंबर्स, यहाँ उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, और यहाँ उनकी फैमिली कैसी है, बिग फैमिली है, स्मॉल फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, ठीक है। सभी बच्चों ने ये जानकारी इकट्ठा करके अपनी बुक में फिल करनी है, और ये बुक मैंने कल आके स्कूल में चेक भी करनी है,
तो आई होप कि सभी बच्चों का ये काम पूरा हो जाएगा और अब सभी बच्चे स्कूल में आए। ओके बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।